नमस्कार प्यारी बहनों, आज हम आपको बताएंगे कि मखाने की खीर कैसे बनती है। इसके बहुत ही आसान तरीका है, पहले आप इसकी सामग्री नोट कर लीजिए। इसके लिए सबसे पहले चाहिए 125 ग्राम अच्छे मखाने ले लीजिए। इसके लिए छोटे छोटे मखाने अच्छे होते हैं, जिससे खीर बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आधा किलो दूध ले लेना है और शक्कर ले लेनी है स्वाद अनुसार। जितनी आप मीठा कम ज़्यादा खाना चाहते हैं उस हिसाब से शक्कर ले सकते हैं और बादाम की गिरी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप और भी अगर इसमें कोई ड्राई फ्रूट वगैरह डालना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि एक कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी लेकर के इन मखानों को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, रेड ब्राउन कर लेना है। और जब ये इनका आकार थोड़ा सा छोटा हो जाए तो इनको आपने काट लेना है, पीसेस काट लेने हैं। और आपने इसके इस सामग्री के अलावा आपने एक छेना मुर्गी ले लेनी है। पनीर के दाने होते हैं, सूखा पनीर होता है, उसको दबा करके छोटे छोटे दाने बना लेने हैं, फ्राई करके उसको, वो छेना मुर्गी बन जाती है। उसको भी आपने रख लेना है। उसके सबसे पहले आपने क्या करना है कि दूध को, आधा किलो दूध है जो, उसको कढ़ाई में ले लीजिए और उसको गर्म कीजिए। और जब वो गर्म हो जाए, उबल जाए, तो ये मखाने उसमें डाल दीजिए। और जब उसको हिलाते रहिए, हिलाने के बाद जब देखिए थोड़े से मखाने उसके अंदर मेल्ट हो गए हैं तो आपने छेना मुर्गी भी उसमें डाल देनी है और अच्छी तरह हिलाते रहना है। और जब देखें कि मखाने ऊपर आए हैं, दूध थोड़ा सूखने लग गया है, तो आप उसमें ये शक्कर डाल दीजिए और जो ड्राई फ्रूट डाल दीजिए, इलायची पाउडर अगर है तो वो भी आप डाल सकते हैं। इसके साथ आप उसको अच्छी तरह हिलाते रहिए। और जब आपकी ये खीर तैयार हो जाए, बन जाए, तो आपने क्या करना है कि परोसने से एक घंटा पहले आपने इसको फ्रिज में रख लेना है या ठंडी ऐसे कर लेना है। ठंडी खाने का अलग मजा है, गर्म खाने का अलग मजा है, दोनों आप खा सकते हैं। जैसे ही आप खाना चाहें, खाने के बाद आप इस स्वीट डिश को खा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।